माई महाराज की माँ के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मैंने आपको अभी तक माँ के मंत्रों, माँ की कथा, पूजा विधि, तांत्रिक प्रयोग, माँ के कई शक्ति पीठ इत्यादि के बारे में बताया है। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी जो कि पीताम्बरा देवी का एक दिन में 3 बार रूप धरने वाला मंदिर है। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कह दूं कि माँ बगलामुखी के इस चैनल पर माँ से जुड़े सभी मंत्र, चालीसा, कवच, भजन इत्यादि उपलब्ध है। उसे आप जरूर देखें और सुनें। हम माँ की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। माँ से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दतिया मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है। यहाँ पर स्थित पीताम्बरा पीठ बहुत ही चर्चित और पूरे देश भर में सुप्रसिद्ध भी है। पीताम्बरा पीठ से जुड़ी कई सारी अलग अलग मान्यताएं लोगों में सुप्रसिद्ध है। यदि लोगों की माने तो इसके विषय में ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ कराए गए हवन से लोगों को अपने मुकदमों में विजय मिलकर ही रहती है। इस पीठ की प्रतिष्ठा इतनी अधिक है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि यहाँ कराया गया यज्ञ किसी भी हालत में निष्फल गया हो। देवी पीताम्बरा शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। राजसत्ता की चाह रखने वाले लोगों की भीड़ यहाँ पर सदैव ही देखी जा सकती है। अपने कष्टों का नाश करने के लिए भक्त यहाँ पर गुप्त रूप से पूजा अर्चना और यज्ञ करवाते हैं। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि किसी भी भक्त की प्रार्थना निष्फल हो गई हो। देवी पीताम्बरा निश्चित रूप से ही सबकी मुराद पूरी करती है। यहाँ माँ पीताम्बरा से जुड़ी एक और बात बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि पीताम्बरा देवी एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। यही एक और मुख्य कारण है जिससे पीताम्बरा देवी की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाए तो इससे यह मालूम होता है कि इस पीठ की सिद्धि इसके स्थापक स्वामी जी महाराज की वजह से ही है। पहले यह भूमि एक शमशान हुआ करती थी जिस पर देवी के मंदिर की स्थापना श्री स्वामी जी महाराज ने करवाई थी। स्वामी जी महाराज के विषय में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यह पीठ स्वामी जी महाराज के कठोर तप और जप के कारण ही एक सिद्ध और चमत्कारी पीठ कहलाता है। माँ के भक्तों, आपको माँ के इस मंदिर के बारे में यह जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मैं माँ से जुड़ी और भी बातों को लेकर आती रहूंगी। माँ बगलामुखी से जुड़े रहने के लिए आप जरूर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि माँ से जुड़ी और भी कथा या कोई नया भजन सुनने से आप वंचित ना रह जाएं। माँ बगलामुखी की और भी कथा और कई खास बातें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। माँ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और माँ से जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो हमें जरूर कमेंट कर बताइए। जय माई महाराज की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल टेक आपके लिए लाते रहेगा और भी वीडियोस। तो जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल टेक को, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं